हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक ओझा और अभिषेक ओझा मैथ पे आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, अलजेब्रा की क्लासेस बंद कर दिया था मैंने। सोचा था ये स्टूडियो चेंज कर लूं, क्योंकि साउंड जो जाता है ना, साउंड की क्वालिटी बहुत ही खराब जाती है। इस वजह से बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कॉमेंट्स मैं रिसीव करता हूँ, साउंड अच्छा नहीं है। तो मैं सोचा था अलजेब्रा तभी स्टार्ट करूंगा जब मैं चेंज कर लूं। लेकिन आप लोग बार बार इतने सारे कमेंट कर रहे थे, कुछ लोग तो भद्दे कमेंट कर दे रहे थे कि आपने स्टार्ट ही क्यों किया जब कंप्लीट नहीं करना था, इस तरीके के और भी कमेंट्स में पढ़ रहा था। तो मेरे को लगा ठीक है, ये इशू भी आप ही लोगों का था कि साउंड अच्छा नहीं आ रहा है, ये इशू भी आप ही लोगों का है कि जल्दी कंप्लीट कर दो। यार कंफ्यूज कर देते हो भाई, कैसे करें बताओ। तो देखो, मैं आपको बताता हूं कि देखो थोड़ा सा बोलने में दिक्कत है, पहले से क्लियर कर दूं, मेरे यहां से विजडम टीथ आ रहा है या फिर कोई टीथ का इशू है, तो मैं आराम आराम से बात करूंगा, तो इससे आप लोगों को इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपको बताता हूं कि आज हम लोग क्लास 5 देखेंगे। अगर आपका ये पहली क्लास है तो आप इसको यहीं पे बंद कर दो, जाओ फर्स्ट क्लास से देखो। एक क्लास को दो बार देखना। दो बार क्यों सर? अगर आप चाहते हो कि आपको एक ही बार में कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, स्पीड भी बढ़ जाए, सवालों को भरबली तेजी से करना शुरू कर दूं, तो जाके एक एक क्लास को दो बार देखना। सारे सवालों को पहली बार में मेरे कराए तरीके से देखो, दूसरी बार में पॉज करके खुद से करो, फिर देखो। मैं लिख के दे रहा हूं, एलजेब्रा से आपका डर जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा। आप एलजेब्रा सिर्फ सॉल्व करने लायक नहीं, एलजेब्रा पढ़ाने के लायक बन जाओगे। आप अपने गांव में, घरों में, शहर में, जहां भी पढ़ाओगे, आपसे बेहतर कोई तरीके से पढ़ाएगा नहीं। ये चीजें मैं डिलीवर करता हूं। मैं पहले ही बताया हूं कि मैं जीरो लेवल से लेकर रैंकर्स लेवल तक पढ़ाऊंगा। इसका मतलब अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए परफेक्ट चीज है। अगर आप पढ़े लिखे हो, आप पढ़ चुके हो अलजेब्रा, पढ़ के देखो, हर क्लास में कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, कुछ नई अप्रोचेस सीखने को मिलेगी, कुछ नए तरीके सीखने को मिलेंगे जो आप कभी नहीं सीखे होंगे। और उन तरीकों को यूज करके आप एग्जाम में सिर्फ क्वालिफाई नहीं, सिर्फ सेलेक्ट ही नहीं, एक अच्छे पोस्ट पर और एक अच्छे रैंक पर जा पाओगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें बात कर लूं। पहला, स्टैटिस्टिक्स। अगर आप बिगनर हो, कोई भी बच्चे हो, 28 जुलाई को ये आ चुका है, 1:12 पर मैं लाया था 28 जुलाई को, 5 घंटे से 4 मिनट कम, 4:56 का लेक्चर है। प्रॉपर नोट्स बना के अभी पढ़ लो। जिंदगी में कभी आपको, जब तक SSC का पेपर होगा, CDS का पेपर होगा, कोई भी स्टैटिस्टिक्स का क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भी मैं CDS लेवल तक कवर किया हूं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ GD और MTS पढ़ा के भाग जाऊं और बड़ी बड़ी बातें करके, मैं यहां पे पढ़ाता हूं तो हर छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक कवर करता हूं। आप मेरी क्लासेस से ये तो सीख गए होंगे कि मैं बड़े लेवल तक पढ़ाता हूं, मैं धीरे धीरे चीजों को सब कुछ सिखा देता हूं, बहुत आराम आराम से। कभी कभी मैं सवालों को तेज सॉल्व कर देता हूं, तो इससे बच्चों को इश्यू होता है, तो मैं उनको बोलता हूं थोड़ा पीछे करके करो। वैसे मैं धीरे धीरे ही सॉल्व करता हूं, बात तो और धीरे करता हूं, ये इश्यू तो मेरे घर वालों को भी है। नेक्स्ट, अगर आप बिगनर हो तो भी इन चैप्टर्स को जाके कंप्लीट करना। अगर आप इस चैप्टर को कंप्लीट करो, चाहे अगले चैप्टर को कंप्लीट करो, सिर्फ एक कॉमेंट करना चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। जैसे आप स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट कर लिए तो डन सर, या फिर आप 2024 स्टूडेंट हो तो 2024 फॉर 2024 सीजीएल। वैसे ही आप इन सब के लिए क्या करो, सेम काम करो, आप इस पे कमेंट करो डन सर, इस पे भी डन सर, सही है, दोनों इंपॉर्टेंट है, रेस एंड सर्कुलर रेस, थीफ एंड पुलिस, टाइम स्पीड डिस्टेंस के तीन टॉपिक में कराया हूं। आप देखो प्रॉफिट लॉस में आप डिजोनेस सेलर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्शन वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्शन वाले यहां लगा नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन फिक्स है, यहां से एक क्वेश्चन, 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 सीरीज से एक क्वेश्चन। तो आपको जाके सिर्फ एक कमेंट करना है डन सर, और सारे लेक्चर देखने हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है TCS मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का, समझ गए? आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो आज का क्लास यहां से स्टार्ट है। कुछ लोगों को लगा होगा 5 मिनट 6 मिनट सर बात कर लिए, मैं वो चीजें इंफॉर्मेशन था इस वजह से मैं दे रहा था, कुछ और एक्स्ट्रा बातें नहीं कर रहा था। देखो क्या है, आपको ना आज AQ+BQ और AQ-BQ के ऊपर क्लास है। इसमें टोटल आपको 3 क्लासेस दूंगा सर। 3 क्लासेस क्यों इतना छोटा सा टॉपिक के लिए? देखो 3 टाइप से सवाल बनते हैं। एक आपका बेसिक सवाल बनता है इनसे,
एक आपसे सिंप्लीफिकेशन का सवाल बनता है, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण से बनता है, ये कैसे बनता है सर? दिखा दूं क्या? दिखा देता हूं, एक सिंप्लीफिकेशन से बनता है, देखो ऐसे ऐसे देखिए हो ना, कैलकुलेशन वाले जिसको देख के आपको डर लगता है, देखो सवाल दिख रहा है, देखो एक सिंप्लीफिकेशन वाले बनते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं तो एक बनता है एडवांस लेवल, एडवांस लेवल जिसमें आपको वैल्यू पुटिंग भी मैं सिखाता हूं, एडवांस लेवल। तो जब हम लोग पहले क्या करेंगे, एक क्लास में इसके दोनों टाइप के सवाल, एक क्लास में इसके दोनों टाइप के सवाल, और एक क्लास में एडवांस लेवल, तीन क्लासेस इस पर रहेगी। मैं बोलूं चौथा क्लास जो इसके बाद आएगा, चौथा क्लास आएगा इस पर्टिकुलर टाइप पे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर जीरो होता है। पांचवा टाइप का आपका क्लास में आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc के, कौन कौन से कंडीशन होते हैं, एक क्लास इस पे आएगा। टोटल कितने क्लास हो गए? 3, 2, 5 और 4 पहले हो चुके, 9 क्लास हो गए। अब आपके जो सबसे मोस्ट रिपीटेड टाइप है, एसएससी का हो, सीडीएस का हो, सीजीएल का हो, रेलवे का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ का हो, एमटीएस का हो, कोई भी पेपर का मोस्ट रिपीटेड टाइप जो होता है ना, वो होता है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। इसके बाद हम लोग इस टाइप पे लगभग 5 से 6 क्लासेस करेंगे, इसके सारे टाइप कवर कर दूंगा। तो कितने क्लास हो गए भाई? तो सर 9 इधर थे, 4-5 इधर, 14 क्लासेस हो गए। उसके बाद 3-4 क्लासेस और करेंगे, वो 3-4 क्लासेस क्या होगा देखो, वैल्यू पुटिंग सिखाऊंगा, सिमेट्रिसिटी सिखाऊंगा, मिसलेनियस क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें आपको बहुत सारे टाइप यूज होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो 3-4 क्लासेस यहां होंगे, तो लगभग 17 से 18 क्लासेस, एक एक 1.5 घंटा 45 मिनट का आपके पास होगा। इस 17-18 क्लासेस में आपको क्या क्या मिलेगा? आपको नो सोर्स फॉर प्रैक्टिसिंग एनी क्वेश्चन, आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हो गए, सारे थ्योरी कवर हो गए, सारे फॉर्मूला कवर हो गए, सारे के सारे टाइप के सवाल कवर हो गए, कुछ भी बचा ही नहीं, एकदम बेसिक लेवल से हो गया। आपको क्या करना है, आपको जो भी एस्पिरेंट है, जो भी आपके दोस्त है, यार है, प्यार है, मोहब्बत है, उनके पास शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करना है वीडियोज के नीचे, कैसा लगा क्लास इसके बारे में बताना है, लाइक करना है। अगर आप हमारे चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करो इसको, मैं आप लोगों को कमेंट एक एक लोग को पढ़ता भी हूं और रिप्लाई भी देता हूं, तो आप लोगों को कमेंट तो करके ही जाना है कैसा लगा। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को, देखो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले थे भाई? तो आज हम लोग सर पढ़ने वाले थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो कलर खराब हो गया यार, चलो मैं कलर दूसरा कर लेता हूं। तो आज हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब पढ़ने वाले हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में पहला फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला होता है, वो होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। अगर आपको ए प्लस बी का होल क्यूब निकालना है तो मैं आपको क्या सिखाया हूं, आपको मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर सिखा दिया हूं, बोलोगे यस सर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आएगा उसमें एक बार a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसमें आप एक बार a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक बार a से पूरे में, एक बार b से पूरे में, तो एक नया फॉर्मूला बन के आएगा। वो नया फॉर्मूला क्या बन के आएगा, वो कुछ यूं आएगा कि ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a प्लस बी क्यूब। अब इसको लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, आपको सारे तरीके आना चाहिए। जैसे मैं एक भोजपुरी में कहावत कहता हूं कि जब जैसन तब तैसन ना तो मरद कैसन। इसका मतलब क्या है कि जब जो सिचुएशन में जिस फॉर्मूले का यूज होगा उस फॉर्मूले को आपको यूज करने आना चाहिए। इसलिए जब जैसन तब तैसन ना तो मरद कैसन, ये हमारे भोजपुरी का कहावत है। अब देखो इसका यूजेस हम लोग सीखेंगे, तो उसके पहले टाइप तो सीख ले किस किस टाइप से आता है। इसको एक तरीका है लिखने का ये कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर इसमें से 3ab कॉमन कर लिया तो क्या होगा, 3ab, यहां क्या बचा a और यहां क्या बचा b, ये कुछ यू हो गया, बोलोगे हां सर।
समझ में आया क्या? हाँ, अब मैं बोलूं कि अगर मैं ए क्यू प्लस बी क्यू को यही रख के इसको इस साइड लेकर आऊं, तो मैं ए क्यू प्लस बी क्यू को होल्ड किया एक जगह, जैसे ही होल्ड किया तो क्या मिला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर किसके, ए प्लस बी के होल क्यूब और माइनस हुआ है 3ab इंटू ए प्लस बी। इसका मतलब क्या है कि मैं ए क्यू प्लस बी क्यू को अपने जगह पर रखा, इसको इस साइड भेज दिया। बस लिखने का तरीका क्या क्या हूं कि इसको यहां लिख लिया हूं और इसको यहां लिख लिया हूं। क्लियर है? बोलो कि हां सर। अब मैं बोला इस ए प्लस बी को कॉमन करो। जब मैं इस ए प्लस बी को कॉमन करता हूं तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी कॉमन हो गया तो यहां क्या बचा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी। क्लियर है? बोलोगे हां सर। अब मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाया था। कौन सा फॉर्मूला सिखाए थे सर? वो ये वाला फॉर्मूला था कि जो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ये बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab के। याद है? नहीं याद है तो याद कर लेना। अब मैं बोलूं कि इस a प्लस बी के होल स्क्वायर को मैं वैसे लिख दिया तो क्या होगा, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab माइनस 3ab। अब 4ab से 3ab घटा दूंगा तो क्या बचेगा, ab, तो घटा दो, घटा दिया, लो ये आपका आया ab। तो एक और फॉर्मूला निकल के आया। अब मैं बोलूं कि अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर देता हूं तो क्या होगा, देखो देखो मैं आप लोगों के लिए ac ऑफ करके रखता हूं। एसी ऑन करते ही और ज्यादा साउंड में नॉइज जाता है, तो आप लोग इतना रिस्पेक्ट करो कि वीडियो को लाइक करो, इतना मेहनत कोई कर रहा है तो। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू, अगर मैं इसको ओपन करूं कोई भी एक ओपन कर लो दोनों में से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं इसी को ओपन कर लिया, माइनस टू ए बी प्लस ए बी। अब ये माइनस टू ए बी से ए बी घटाऊंगा तो क्या बचेगा, माइनस का ए बी, तो मैं यहीं पे माइनस का ए बी लिख देता हूं घटा के। क्लियर है? मैं बस एक स्टेप बचा लिया लिखने का। अब देखो कितने सारे फॉर्मूले निकल के आए सर, इतने सारे फॉर्मूले निकल के आए। हाँ भाई, तो आपको क्या करना है भाई, तो आपको रट्टा लगाना है। कैसे लगाओगे, पढ़ पढ़ के। इस सारे के सारे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। टोटल आपको 6-7 फॉर्मूला है। अब हम लोग इसके एग्जीक्यूशन करेंगे एक एक करके, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब पेपर में ना इनसे 6 टाइप से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। एक और आप लिख सकते हो, जब ए क्यू प्लस बी क्यू को ए प्लस बी से डिवाइड करूंगा, मतलब इसको नीचे लाऊंगा, तो कुछ यूं फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये रट्टा नहीं लगाना, इसको तो समझना है। ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए प्लस बी, तो ये किसके बराबर होगा, तो ये इसके बराबर होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। चाहे मैं बोलूं कि इससे डिवाइड कर दूं, तो मैं इधर ये प्लस में है, इधर से नीचे लाए, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये डिवाइड में होगा, तो ये आएगा। सवालों के साथ सीखते जाओगे। आ जाओ, आप सिर्फ इन 6 को याद कर लो। कैसे याद करना है सर? याद करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक है, 5-6 बार 7 बार लिखो बैठ के, 6-7 बार लिखो, खुद से लिखो जैसे मैं लिखा, याद हो जाएगा। आपके सामने मैं इसका फोटो भी लेकर आया हूं, एक एक चीज आपको लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने का मन है तो। क्लियर है ना? चलो, सवाल पहला सीएचएसएल का आया हुआ इस साल का, जो कि मार्च में पेपर हुआ था, मार्च 2023 का सवाल है, आगे करने का कोशिश करो। बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू। बोला है कि 3 ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू का मान क्या होगा। कितना सेकंड का सवाल है? 2 सेकंड का। अगर मैं बोलूं मेरे को ए प्लस बी का होल क्यूब याद है, तो होल क्यूब याद है तो लिखो ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस ए क्यूब
माइनस बी क्यूब। क्लियर है? बोलोगे हाँ। अब मैं इसको जब एक्सपेंड करके यहां लिखा तो मेरे को मिला कि ए क्यूब से ए क्यूब खत्म, बी क्यूब से बी क्यूब खत्म, बचा क्या 3ab इंटू ए प्लस बी। तो आपका ऑप्शन सी उत्तर था। क्या इसको लिख के करने की जरूरत थी क्या सर? नहीं, भरबली नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? तो भरबली करो ना कि सर ए प्लस बी का होल क्यूब है तो 3ab इंटू ए प्लस बी आएगा। अब यहां प्लस है तो प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी आएगा। देखो जहां पे माइनस था वो तो खत्म हो गया, a माइनस बी। कैसे? क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब है तो a प्लस बी रहेगा। अगला a प्लस बी का होल क्यूब है तो प्लस का 3ab इंटू ए प्लस बी आएगा, और वहां पे तो माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी था, तो ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन सी। तो रैंकर्स एक सवाल को इस तरीके से करता है, लेकिन पहले वो ए तरीका सीखता है, इस तरीके से दो बार सवालों को करता है, फिर तीसरी चौथी बार में वहां पहुंचता है। आ जाओ अगले सवाल को करते हैं। बोला है कि एक्सपेंड, विस्तार करें। सीजीएल 2019 का सवाल है, 7 मार्च 2020 को पेपर हुआ था। अब आपको बोला है कि ए प्लस बी का होल क्यूब है, एक्सपेंड करना शुरू करते हैं। बोला है कि एक्स बटे 3 प्लस वाई बटे 5 का होल क्यूब निकालो। तरीका क्या है? ए का क्यूब, तो एक्स क्यूब बटे 27, बी का क्यूब तो वाई क्यूब बटे 125, 3a² b प्लस 3b² है, यही होता है ना? बोलोगे हाँ। तो 3a² 3 इंटू एक्स बटे 3 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बटे 9 लिख दूं? लिख दो सर। जैसे इसको x बटे 3 का क्यूब कर दिया, y बटे 5 का क्यूब कर दिया, तो x बटे 3 का स्क्वायर इंटू y बटे 5 प्लस 3 इंटू y स्क्वायर बटे 25, y बटे 5 का स्क्वायर कर दिया इंटू x बटे 3। बोलोगे हाँ सर। एकदम क्लियर है? बोलोगे हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं आपको बोलूं कि ये एक्स क्यूब बटे 27 है, ये वाई क्यूब बटे 125 है, इसको अगर मैं काटता हूं 3 × 3 = 9, तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर वाई बटे 45, 3 × 5 = 15 बनेगा ना, 15, और ये क्या बनेगा? 3 से 3 खत्म, वाई स्क्वायर एक्स बटे 25, और ये क्या बनेगा? वाई क्यूब बटे 125, और ये क्या बनेगा? एक्स क्यूब बटे 27। अब मैं चेक करने जाऊंगा कहां पे ये चारों का चारों है। तो देखो यहां पर एक्स क्यूब बटे 27 है, एक्स स्क्वायर वाई बटे 15 होने चाहिए, लेकिन ये 25 है, गलत हो गया। ये एक्स क्यूब बटे 25 से स्टार्ट ही है, तो ये भी गलत हो गया। ये एक्स क्यूब बटे 27 प्लस एक्स वाई बटे 25 है, लेकिन यहां पर एक्स स्क्वायर वाई बटे 15 और वाई स्क्वायर एक्स बटे 25 होना चाहिए, ये भी गलत है। ऑप्शन सी, एक्स क्यूब बटे 27, एक्स स्क्वायर वाई बटे 15, एक्स वाई स्क्वायर बटे 25 और वाई क्यूब बटे 125 सही है। क्या आप इस तरीके से लिख लिख के आराम आराम से करोगे? ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो नहीं सर, फिर मैं कैसे करूंगा? मैं ऑप्शन से करूंगा। तरीका सीखो एक चीज और, मैं आपको फिर से पीछे ले जाता हूं इस फॉर्मूले पर, ध्यान से सुनना चीजों को। क्या है a का क्यूब, क्या है b का क्यूब, अगला क्या है 3 a का स्क्वायर इंटू b, 3 b का स्क्वायर इंटू a, यही है ना? तो ये a क्यूब b क्यूब 3a² b 3b² है, चार टर्म्स है। अब आओ यहां पे बोला a का क्यूब एक्स क्यूब बटे 27, देखने आया सब में नहीं, एक में एक्स क्यूब बटे 27 नहीं था, गलत हो गया। वाई बटे 3 का क्यूब वाई क्यूब बटे 125 सारे में थे, तो एक गलत ही है, तो तीनों में है। अब मैं क्या चेक करूंगा? 3a² b और 3b² है, तो 3a² b चेक करूंगा, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर बटे 9 इंटू वाई इंटू 5, क्या चेक किया? 3 इंटू ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इंटू बी, 3 × 9
एक्स स्क्वायर वाई बटे 15 कहाँ है? एक्स स्क्वायर वाई बटे 25 है, गलत हो गया। ये पहले से गलत है, एक्स वाई बटे 25 है, ऑप्शन डी सही है। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है ऐसे, ये बेसिक अप्रोच है, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच ये है। तो इसको रैंकर से अप्रोच बोलते हैं और ये आपका बेसिक अप्रोच बोलते हैं। तो आपको बेसिक अप्रोच से करने आना चाहिए, दो बार हर बार आप जब भी मैं सवाल लिखूं तो एक से दो बार आप बेसिक अप्रोच से करो, बेसिक अप्रोच से करो, उसके बाद आप इस रैंकर से अप्रोच से सवालों को करो। क्लियर है? बोलोगे हां सर। अगले सवाल को देखो, बोला है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2x प्लस वाई। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2x प्लस वाई के होल क्यूब में, मतलब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लायर क्या है, एक्स स्क्वायर से क्या नंबर मल्टीप्लाई होगा, कोफिशिएंट होता है उसके बगल वाला। मैं अगर बोल दूं 6x स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 6 है। अगर मैं बोल दूं yx स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो x है। अगर मैं बोल दूं 10x स्क्वायर yz तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 10 भी है, वाई भी है, जेड भी है, तो 10yz इसका कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट क्या होता है, समझ गए कि जो मल्टीप्लाई हुआ है वही कोफिशिएंट होता है। एकदम सही है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मैं बोलता हूं कि अगर आपके सामने कुछ यू नंबर है तो आप कैसे करोगे। तो पहले बेसिक अप्रोच, आज हम लोग बेसिक सीखते हैं। देखो इतना पसीना में क्लास ले रहा हूं और आप लोगों की मेहनत ही नहीं करते हो, मेहनत बिना किए सिलेक्शन नहीं होता है। आपको ना आपके अंदर एक आग जलनी चाहिए, वो आग कुछ यूं जलते रहना चाहिए कि आपको किसी से मोटिवेशन लेने की जरूरत ना पड़े। आप लगातार मेहनत करो, आपको गर्मी लग रहा है, ठंडी लग रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, नींद आ रहा है, ये सब कुछ नहीं होता भाई। एक बार नौकरी हो जाता है ना तो लाइफ ही अलग होता है। अगर मैं अभी बोलूं कि अभी आप 200 का टी शर्ट खरीदने, 150 का टी शर्ट खरीदने जाओगे तो चार बार सोचना पड़ेगा, खरीद लू नहीं खरीदता हूं यार, 150 खर्चे हो जाएंगे, 150 रहेंगे तो कल का चावल दाल चल जाएगा, राशन आएगा। वही जब नौकरी करोगे ना तो 1000 रुपए का शर्ट, 1500 का शर्ट, 2000 का शर्ट खरीदने में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। बोलोगे ले लो कोई बात नहीं, थोड़ी ना खर्ची घटा है। तो इस उस हालात से इस हालात में जाने के लिए आपको ना पसीना, भूख, नींद नहीं देखना होता है, और जो देखता है ना फिर उसी हालात में रह जाता है। तो मेहनत आपके अंदर करने की जुनून होनी चाहिए। चलो आ जाओ इस सवाल को करो। मैं इसलिए बताया ना कि आपके सामने मैं इस सिचुएशन में भी, जबकि नहीं भी लूं तो मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है, ये मेरा पैशन है। जैसे किसी को किताबें पढ़ के, किसी को डांस करके, किसी को गिटार बजा के, किसी को बाइक चला के खुशी मिलती है, तो मैं यहां पढ़ा के मुझे खुशी मिलती है, तो मैं पसीने में भी पढ़ा लूंगा, तो इस वजह से मैं पढ़ा रहा हूं। तो आप लोग मेहनत करो। देखो मैं पहले बेसिक अप्रोच सिखाता हूं। बेसिक क्या है, सिंपली उसका होल क्यूब कर दो, 2x का क्यूब, 2x का क्यूब हो गया 2 का क्यूब, और x का क्यूब 8x क्यूब, y का क्यूब हो गया। अब क्या तरीका है, 3a² b, तो 2x का स्क्वायर क्या होगा 4x², और b क्या होगा y, 3b² है, y का स्क्वायर इंटू 2x, तो 3 2x इंटू y का स्क्वायर, यही होगा ना। a प्लस बी का होल क्यूब आप लिख लिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ba ab² क्लियर है? बोलोगे हां। अब मैं आपको दिखाता हूं, मेरे से पूछा गया x स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, मेरे से पूछा गया है कि x स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, यही पूछा गया ना कि x स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है। कहां पे x स्क्वायर है, यहां पे है क्या, नहीं यहां पे है क्या, नहीं यहां पे है क्या, नहीं, x स्क्वायर जो है ना सर यहां पे है, तो सिर्फ उसी को फोकस करो, 3 × y × 4x², तो 3 × 4 = 12 yx² क्लियर है? बोलोगे हां। तो बचा क्या, x स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 12y, ऑप्शन सी। तो ये आपका हुआ बेसिक अप्रोच। अब मैं बोलता हूं क्यों इतना लिख के करना, क्यों इतना टाइम बर्बाद करना, अब भरबली करो ना। भरबली कैसे करोगे, देखो मैं बोला मेरा x स्क्वायर आएगा कहां,
एक्स स्क्वायर वही आएगा जहां इसका स्क्वायर होगा, 3a स्क्वायर b पर आएगा। तो सीधे मैं इसी पॉइंट को टारगेट करता हूं, 3a स्क्वायर b, 3 इंटू 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर इंटू y, तो क्या बचा, 3 चौके 12 इंटू y, 12y। पेन उठाने की जरूरत थी नहीं, ये पूरा लिखने की जरूरत थी नहीं, सिर्फ इस पॉइंट को फोकस कर सकते थे हाँ, तो इसी को करना है। ऐसे ही रैंकर्स करते हैं। रैंकर्स अप्रोच का मतलब क्या है, रैंकर्स अप्रोच का मतलब है कि स्टेप्स को स्किप करना, बहुत सारी चीज दिमाग में कर लेना, बहुत कम लिखना, बहुत सारा चीजें कैलकुलेशन का, काटाकोटी रेशियो का, डिविजिबिलिटी का यूज करना, यही है रैंकर्स अप्रोच, नथिंग एल्स। इस सवाल को करो, ये सवाल सीजीएसएल 2022 में आया हुआ है, जल्दी से करो। क्या है सवाल, अगर ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a बराबर है 63, देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 2a इज, पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, रिकॉर्डेड में पढ़ा रहा हूं वीडियो। अब मेरे भाई मैं क्या बोलता हूं, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे प्यार, मेरे मोहब्बत, कुछ यूं है कि ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस पता नहीं 63, अगर हम बोला दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, काहे करेंगे, नहीं करेंगे, मन नहीं है, ऐसा सवाल उठ सकता है। तो मैं आपको बताता हूं क्यों किया, मैं ध्यान से देखा ये क्या था, a का क्यूब, तो इसमें मैं 1 का क्यूब ऐड कर दिया। अब मैं बोला ये क्या है, 3a स्क्वायर b हो गया ना, 3a स्क्वायर इंटू 1, ये क्या है 3ab स्क्वायर, 3a इंटू b का स्क्वायर हो गया ना, बोलोगे हाँ। तो पूरा क्या बना, a प्लस 1 का होल क्यूब, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो ये a प्लस 1 का होल क्यूब बना, और जब ये a प्लस 1 का होल क्यूब बना तो ये 64 बना, तो a प्लस 1 क्या बना, क्यूब रूट ऑफ 64। तो a प्लस 1 आया कितना सर, 4, तो a क्या आएगा, 4 माइनस 1 3, a का वैल्यू 3 आ गया ना आसानी से, बोलोगे हाँ सर, तो पुट करो, बोला है कि ए स्क्वायर प्लस 2a का वैल्यू बताना है, कैसे करोगे, ए स्क्वायर प्लस 2a, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूना 6, 9 और 6 15, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूना 6, 9 प्लस 6 15 हो गया, 2 गुणे 3 और 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3, क्लियर है, बोलोगे हाँ सर। अगले सवाल को करो, इसको देख लेना। अब क्या है देखो, अगर p प्लस क्यू बराबर है 5, pq बराबर है 18, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p का क्यू प्लस q का क्यू। आपको आसान भाषा में क्या सिखाना चाहता है, वो क्या पूछना चाहता है, सीएचएसएल 2022 का सवाल है, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। a प्लस b का वैल्यू गिवन है, AB का वैल्यू गिवन है, AQ प्लस BQ का पूछा है, फॉर्मूला आपको याद है, बोलोगे हाँ याद है, कौन सा फॉर्मूला याद है साहब, ये वाला फॉर्मूला याद है कि जब मेरे से AQ प्लस BQ पूछा जाए और AB पता हो तो A प्लस B का होल क्यूब माइनस 3AB इंटू A प्लस B होता है। लगाओ फटाफट से, चलो लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है देखो, फॉर्मूला कुछ यूं है कि A क्यूब प्लस B क्यूब बराबर होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, क्लियर है, बोलोगे हाँ सर, लगा दें। तो p प्लस क्यू क्या है, a प्लस बी, तो p प्लस क्यू का होल क्यूब, तो 5 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी, तो 3 इंटू 18 और प्लस p प्लस क्यू इंटू ए प्लस बी, मतलब P प्लस क्यू का वैल्यू 5। लगाने आया कि नहीं, फिर से एक बार लगा के दिखाता हूं। अगर आप ऐसे लिखोगे पी क्यू प्लस क्यू क्यू, तो ये क्या होगा, P प्लस क्यू का होल क्यू माइनस 3 पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू, तो वही काम किया हूं, P प्लस क्यू का होल क्यूब माइनस 3 इंटू पी क्यू, 3 इंटू 18 इंटू पी प्लस क्यू 5, क्लियर है, बोलोगे हाँ। तो 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब 25, 125, 3 गुणा 18 54 हो गया,
या फिर ऐसे करो 18 गुणे 5 90 हो गया, 9 तो 27 हो गया, 270। नेगेटिव में एक ही उत्तर है सर, 270 भी तो नेगेटिव था, क्यों नहीं किया? तो 125 घटेगा 270 से, तो यही वाला उत्तर बचेगा, काम खत्म। बोलोगे हाँ सर। चलो मैं अगले सवाल को कराता हूं। यहां पर बोला है 5x प्लस y बराबर है 17, xy बराबर है 6, तो आपको बताना है कि 125 एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू क्या होगा। पॉज करो, पॉज नहीं किया, चोरी कर रहा है। पॉज करो, पॉज करके इसको ट्राई करो। पॉज कर दियो? हाँ सर, तो ट्राई करो। क्या पूछा है? ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू पूछा है, ए प्लस बी पता है और ए इंटू बी पता है। तो अब मैं लिखना शुरू करता हूं, क्या होगा फॉर्मूला? 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो होगा, इसका फॉर्मूला होगा 5x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 5x इंटू वाई इंटू 5x प्लस वाई, यही होगा ना? बोलोगे हां सर। अब मैं अप्लाई करता हूं, 5x प्लस वाई का होल क्यूब का मतलब क्या है? 17 का क्यूब, 17 का क्यूब किसको किसको नहीं याद है? जिसको जिसको 17 का क्यूब नहीं याद होगा वो क्या करेगा, एक कैलकुलेशन सीट दिया हूं मैं, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन करें, कैलकुलेशन सीट को उठाए और उठा के एक एक कैलकुलेशन के तरीके को सीखे, उसको सब कुछ याद हो जाएगा। 3 इंटू 5 इंटू एक्स वाई का वैल्यू क्या है 6 और 5x प्लस वाई का वैल्यू क्या है 17। कैसे करोगे? दो तरीका है, एक है आपका कि पूरा कैलकुलेशन करो, दूसरा तरीका क्या है सर कि डिजिट सम लगा सकते हो। तो मैं जब क्लास करूंगा आपके लिए डिजिट सम का, तो मैं इसका अप्रोच सिखाऊंगा कि डिजिट सम क्या होता है। एक और तरीका मैं आपको सिखाता हूं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मल्टीपल मेरे को दिख गया, डिविजिबिलिटी चेक कर सकते थे 17 का, तो 17 का ये डिविजिबल है लेकिन ये होगा नहीं उत्तर, क्योंकि 17 का क्यूब इटसेल्फ है। तो आप इनमें से कोई भी उत्तर होगा 17 का मल्टीपल होगा, सॉल्व ही करते हैं। 17 का क्यूब क्या होता है 4913, कैसे करेंगे? 5 6 30, 3 गुणा 30 गुणा 17, 3 3 9, 17 9 153, 10 है, घटा दो, 3 से गया 3, 11 से 3 गया 8, 49 से 15 गया 48 से 15 गया 33, 3383। ऑप्शन ए जो है ना सही उत्तर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मैं थोड़ा एसी चला लेता हूं, गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है हमको, भीग गया हूं मैं पसीने से, तो डोंट माइंड, क्योंकि पसीने में ज्यादा रहूंगा तो मैं डिस्टर्ब होऊंगा। इस सवाल को करो, एमपी पुलिस कांस्टेबल का सवाल है। सोचो ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया गया है, मतलब कैलकुलेटिव बनाया गया है, करने का कोशिश करो, कॉन्सेप्ट कुछ भी अलग नहीं है। कॉन्सेप्ट है कि 2x प्लस 3y 5/2 है, xy 1/6 है, तो at x क्यूब प्लस 27y क्यूब का वैल्यू क्या होगा? कैसे करोगे? सर एक ही तरीका है, कोई खास तरीका आपके पास तो है नहीं, हलवा हलवा सवाल सिखाते हो, आपसे पहले कर लिया ना पॉज करके, ऐसा सवाल आना चाहिए दिमाग में, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब का वैल्यू क्या होगा? 2x प्लस 3y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू 3y इंटू 2x प्लस 3y, लगा दो फटाफट से, तो लगा दिया। 2x प्लस 3y का होल क्यूब क्या होगा? 5/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2 3 6 इंटू एक्स, ऐसे होगा ना 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स वाई, तो 3 2 6 3 18 अलग लिख लेते हैं। बोलो हाँ सर। बच क्या गया? एक्स इंटू वाई जो कि 1/6 है, तो उसको मैं यहां लिख लेता हूं। बोलोगे हाँ सर। 2x प्लस 3y 5/2 है जिसको मैं यहां लिख लेता हूं। बोलोगे हाँ सर। 6 3 18 काट लेता हूं। बोलोगे हाँ सर। 5/2 का क्यूब, 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8, 125/8 माइनस 3 5 15/2। अब इसको कैसे घटाएं? सवाल उठा मन में? हाँ सर, एक लाइन में घटाओगे। देखो कैसे, मैं बोला इसके नीचे क्या है 8, इसके नीचे क्या है 2, दोनों के नीचे 8 बना दो, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 125/8 माइनस 60/8 क्या हो गया? 65/8।
ऑप्शन सी सही है, बोलोगे हाँ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल मजा आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है किसी भी तरीके का। इस सवाल को करो, बोर तो नहीं कर दिया ना? बोर तो कर दिया हूं बिल्कुल, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई। कैसा मास्टर हो यार, कुछ सिखाते नहीं हो, खाली बकैती बिल्कुल नहीं करते हो, ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, एक बार सीख लो फिर हम लोग बातें भी करेंगे। फिर मैं बहुत बातें करता हूँ, फिर मैं शायरिया सुनाता हूँ, पोएट्री करता हूँ, मोटिवेशनल बातें करता हूँ, स्पिरिचुअल बातें करता हूँ, लॉजिकल बातें करता हूँ, प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, इमोशनल बातें करता हूँ, हर तरीके की बातें करता हूँ। तो मैं लेकिन ना चाहता हूँ कि जिस टाइम पे जो करूँ सिर्फ वही करूँ। जब शायरी करूँ तो सिर्फ शायरी करूँ, जब पढ़ाऊँ तो सिर्फ पढ़ाऊँ, जब लॉजिकल बातें करूँ तो सिर्फ लॉजिकल बातें करूँ, जब प्रैक्टिकल बातें करूँ तो सिर्फ प्रैक्टिकल बातें करूँ, जब पढ़ाऊँ तो सिर्फ पढ़ाऊँ। तो मैं इस वजह से अभी पढ़ा रहा हूँ। कई बातें करोगे, मिलोगे तो बहुत अच्छे से सब कुछ सिखाऊंगा, हंसी मजाक भी करता हूँ। डांसिंग सीखने का शौक था, सीख नहीं पाए। चलो क्या है, 3x + 2y बराबर है 15, xy बराबर है 6, तो आपको बताना है 3/2x³ + 4/9y³ का वैल्यू। ICER 2022 का सवाल है, कैसे करोगे? कुछ समझ में आ रहा है? हवा पानी लग रहा है? कहीं से भी कुछ समझ में आया? ये होता है घुमाना, क्या, क्वेश्चन को घुमाना। क्वेश्चन को जब एग्जामिनर घुमाता है तो ऐसे बच्चे फंस जाते हैं। अगर मैं बोलूं 9 * 3 = 27 और 2 * 4 = 8, इसका मैं बट्टा पर का जोड़ निकाल दिया। बट्टा पर का जोड़ समझते हो, हमारे भोजपुरी में बट्टा पर का जोड़ बोलते हैं। तो 2 और 9 का एलसीएम क्या है 18, ये 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या 9 * 3 = 27, 9 * 3 = 27x³ + 2 * 8y³। तो 27x³ + 8y³/18 सवाल ये था। अब मैं बोलूं मेरे को 3x + 2y पता है तो क्या 27x³ + 18y³ नहीं निकाल सकता? बोलोगे एकदम निकाल सकता हूं सर। तो इसको निकाल के 18 से डिवाइड कर दो। कर देंगे सर, कर देते हैं, आप छोड़िए हम ही कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम करा दे रहे हैं। 27x³ + 8y³ बराबर है किसके, 2x + 3y का होल क्यूब माइनस 3 × 3x × 2y × 3x + 2y। फॉर्मूला तो रटवा दिए एकदम, इसको कर दें। 3x + 2y का होल क्यूब मतलब 15 का होल क्यूब माइनस 3 × 3 × 2, 3 * 3 = 9, 2 * 9 = 18 × x × y मतलब 6 × 3x + 2y मतलब 15। अब मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन करने लगूंगा। इसमें से क्या-क्या कॉमन हो रहा है कॉमन निकालो, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। तो मैं बोला इसमें से 15 कॉमन हो गया, ठीक है। यहां क्या बचा, 15 × 15, यहां क्या बचा 18 × 6, और कुछ कॉमन नहीं हो रहा है सर, 9 कॉमन हो रहा है। इसमें 3 × 5 है, इसमें 3 × 5 है, तो 9 को कॉमन कर लो, 15 × 9 कॉमन हो गया। यहां क्या बचा, 5 = 1, 5 = 5, दोनों से 3 कॉमन कर लिया, तो 5 * 5 = 25, यहां से 9 कॉमन किया था तो 2 बचा, 2 * 6 = 12। कैलकुलेशन किया तो क्या, 15 × 9 × 13। अब मैं बोला कि मैं 27x³ + 8y³ का वैल्यू क्या आया, 15 × 9 × 13 / 18, 9 से काटा 9 * 2 = 18, 15 × 13 क्या आएगा 195/2, उत्तर क्या आएगा 97.5। सर इतना तेज तेज आप गुणा कर लेते हो, हमको समझाते नहीं, आओ सिखाता हूं। 15 × 13 को मैं कैसे किया, एक फॉर्मूला आपको सिखाया था, कौन सा फॉर्मूला सर, कि a² - b² बराबर होता है a - b × a + b के। बोलोगे हाँ, a + b × a - b बराबर होता है a² - b², इसका वाइस वर्सा भी सिखाया था, बोलोगे हाँ। अब मैं बोला कि 15 × 13 को मैं ऐसे लिखता हूं, ये क्या 14 और जोड़ का 1, ये क्या 14 और जोड़ माइनस का 1, ये a + b है, ये a - b है, बोलोगे हाँ। तो स्क्वायर हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196 - 1 का स्क्वायर, तो 196 - 1 = 195। इतना तेज मनी मन गुणा करना था, है कि नहीं है आसान, बहुत आसान है, समझ गए। चलो अगले सवाल को देखो,
इस सवाल को मैं आपको होमवर्क देता हूं, इतना हार्ड वाला होमवर्क। हाँ, इसमें दो फॉर्मूले यूज है, एक आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज है और फिर आपको ए क्यू प्लस बी की यूज है। मतलब मैं आपका टेस्ट ले लिया, क्या क्या टेस्ट लिया, ये शुरुआत के क्लासेस का टेस्ट है जो चार क्लासेस आप पढ़े होंगे, तीन क्लासेस, और ये आज का क्लास का टेस्ट है। दोनों को मिक्स करके सवाल बनाया गया हो, और इस सवाल का उत्तर मैं चाहता हूं आप कमेंट में देना, ये क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर ये आया, और ये भी बताना कि कितने लाइन लिखकर लाए हो सॉल्व करना। चलो अगले सवाल को करो। अगला सवाल अगले फॉर्मूले पे हम लोग कर रहे हैं। क्या है मेरे भाई फॉर्मूला? फॉर्मूला ये है कि जो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ये किसके बराबर होता है साहब? ए क्यू प्लस बी क्यू के। या फिर ऐसे बोलोगे कि जो ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बोलोगे हाँ सर, सीजीएल 2022 का सवाल है, कितना सेकेंड लगना चाहिए? अरे बतावा हो, बतावा कितना सेकेंड लगेगा, बताइबा ना। सवाल बता पाओगे? शादी नहीं होगा, लड़कियों का तब भी ठीक है, पापा करा देंगे, लड़कों का तो भाई अब सोच लो, शादी चाहिए, सवाल करके बताओ। अब मैं बोला कि ए क्यू प्लस बी क्यू, मतलब ये ए प्लस बी है तो ए प्लस बी का होल क्यूब होगा, तो 5x का क्यूब प्लस 8y का क्यूब होगा, तो 5x का क्यूब 125x क्यूब, 8y का क्यूब 512y क्यूब। समझ में आया? बोलोगे हाँ सर, ए प्लस बी पता था, ए का क्यूब बी का क्यूब, ऑप्शन देखा टिक किया, कितना सेकंड? 5। चलो इस सवाल को करो। ये सवाल देखो सीएचएसएल 2022 का है, बोला है कि एक्स 2022 लेकिन पेपर 2023 में हुआ है। एक्स बराबर है माइनस दो, वाई बराबर है एक, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4/x प्लस वाई, 16/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y/x। अब इस सवाल को देख के कोई चालाक बच्चा होगा बोलेगा x का माइनस दो पुट कर दो, y का वन पुट कर दो, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो। लेकिन कोई एक्स्ट्रा चालाक बच्चा होगा जो मेरे से पढ़ा होगा, वो क्या करेगा? वो कुछ यूं करेगा, देखिएगा ध्यान से, ये सर a प्लस बी है, हाँ, ये a का स्क्वायर है, हाँ, ये b का स्क्वायर है, हाँ, ये a इंटू बी है, हाँ, अरे ये तो फॉर्मूला हमको पता है। अरे क्या पता है भैया? तो ये जो फॉर्मूला है ना, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का। मतलब अल्टीमेटली मेरे से पूछा गया है ए क्यूब और प्लस का बी क्यूब, तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा? 4/x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। अब मेरे को पता है कि इसको मल्टीप्लाई करके सिर्फ इतना सा आया। अब मैं एक एक को पुट करता हूं, x के जगह पर -2 पुट किया तो 4/-2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 2 × 4 कटा, 2 का क्यूब हो गया -8 प्लस 1 का क्यूब हो गया 1, -8 प्लस 1 -7, तो उत्तर हुआ कि नहीं? -7 उत्तर हुआ कि नहीं हुआ? बोलोगे यस सर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा है ना? तो आपको क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, कमेंट करके बताना है कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है। जितने भी आपके गांव के, घर के, शहर के जो भी आपके दोस्त होंगे, पड़ोसी होंगे, सबको शेयर करना है वीडियो, बोलना है इससे जबरदस्त आपको अलजेब्रा कहीं नहीं मिलेगा। आप किसी से पहले किए हो, 6 महीने पहले किए हो, 1 साल पहले किए हो, 2 साल पहले किए हो, इतना अच्छा कॉन्टेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, जीरो से हाई लेवल तक। और मैं गारंटी बोल रहा हूं कि इसके 6 महीने बाद ही कोई आएगा, क्योंकि इतना जल्दी कोई चुराएगा भी नहीं, थोड़ा सोच समझ के, डर के चुराएगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो ना कि कोई चुराने से पहले डरे कि नहीं नहीं कंटेंट नहीं चुराना है भाई, अभी से एक हो जा सर का। सारे बच्चे पहले जानते हैं, चुराओगे तो बच्चे आके कमेंट करेंगे चोरी किया चोरी किया है। तो कोई कंटेंट ना चुराए, कंटेंट का अलाइनमेंट ना चुराए, किस तरीके से पढ़ा जाता है इसे चुराए ना, उसके पहले आपको शेयर करना है। अब देखो क्या है, इस सवाल को करो। सवाल तो आपका वही है कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब मैं बोलूं कि यहां पे ये मल्टीप्लाई में है, इधर इधर लाऊं तो क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये किसके बराबर आएगा? ए प्लस बी के। तो यहां पर क्या है,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर क्या होगा ए प्लस बी। तो क्या ये ए प्लस बी है? हाँ है सर, 15 प्लस 4 ये है। जब ये 15 प्लस 4 है तो k का वैल्यू क्या आएगा? k का वैल्यू आएगा a इंटू बी, तो 15 गुणे 4। मैं इस फॉर्मूले पे फिट ही तो बैठाया हूं, a का क्यूब b का क्यूब a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस a इंटू बी, तो a इंटू बी तो 15 गुणे 4, वहां पे a प्लस बी था। क्लियर है? 15 चौके 60 उत्तर हो गया। एक लाइन में सॉल्व हुआ, बोलोगे हां सर। नेक्स्ट को देखे, हां देखते इसको करो। ये सवाल क्या है देखो, ध्यान से देखना। ये अरे रे, ये अरे रे, ये कुछ दिखा क्या? मैं आपको अभी बोलता हूं डेसिमल्स मत देखो, आपको देखना ही है दशमलव कहां है, देखना ही नहीं है। मैं सिर्फ आपको नंबर्स दिखाता हूं कि अगर ये 435 होता, ये 435 होता तो क्या होता? एक 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 435 नहीं तो एक क्यूब है, 325 325 325, ये बी क्यूब है। नीचे क्या है? ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये ए बी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी किसके बराबर होता है? सर ये ए प्लस बी के बराबर होता है। काम खत्म। अभी मैं डेसिमल्स नहीं देखा हूं, अभी मैं सिर्फ नंबर देखा हूं, अब मैं डेसिमल देखूंगा। उत्तर क्या आएगा? उत्तर तो कुछ ही आएगा कि 435 में 325 जोड़ा जाएगा। अब मैं बोलता हूं मैं डेसिमल पे काम करता हूं। डेसिमल पे कैसे काम करना है ध्यान से देखो, डेसिमल पे ध्यान से देखना काम करना है। अगर मैं बोलूं कि ये क्या है सर, यहां दो डेसिमल है, यहां भी दो है, यहां भी दो है, तो दो दो चार दो छह, ऊपर छह डेसिमल है, मतलब दशमलव के बाद छह स्थान। यहां पे क्या है? दो दो चार दो छह, वहां पे भी दशमलव के बाद छह स्थान है, मतलब ऊपर में अगर मैं छह जीरो से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, तीन तीन छह, छह जीरो से सिंपली मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो क्या होगा? ये सिंपल 435 बन जाएगा, दो जीरो यहां ले लेगा, ये भी 435 बन जाएगा, ये भी 435 बन जाएगा, सब में मैं छह जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 325 325 325 बन जाएगा। लेकिन अपने मन से मल्टीप्लाई किए हो छह जीरो से, तो छह जीरो से डिवाइड कर दो, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगा, होगा ना? बोलोगे हाँ। तो मैं उस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए नीचे भी छह जीरो से डिवाइड कर दिया। अब मैं ऊपर नीचे जब छह छह जीरो से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो क्या इंपैक्ट पड़ा? टोटल टोटल इंपैक्ट में आप देखता हूं, टोटल इंपैक्ट क्या पड़ा? ये छह जीरो पूरा पूरा वो निकल गया, और निकल के मेरे को दे दिया 435 का क्यूब प्लस 325 का क्यूब। लेकिन नीचे क्या कहानी बना कि नीचे से रिक्वायरमेंट कितने का था? तो दो जीरो, दो डेसिमल के बाद स्थान था, प्लस अगर हम बोलूं इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, तो क्या होगा? ये 435 इंटू 435 हो जाएगा, ये 325 इंटू 325 हो जाएगा, ये 435 इंटू 325 हो जाएगा। 10 से ये डेसिमल खत्म, 10 से ये डेसिमल खत्म, 10 से ये डेसिमल खत्म, 10 से ये 100 से। सर ऊपर जब मैं किया था तो पूरे जीरो खत्म हो गए थे, लेकिन नीचे सिर्फ दो जीरो का यूज हुआ है, चार जीरो सीधा सीधा जिंदा है, तो नीचे मेरे चार जीरो जिंदा है, और क्या जिंदा है? 435 का स्क्वायर प्लस 325 का स्क्वायर माइनस 435 इंटू 325। अब मैं इससे इसको काटूंगा तो क्या मिलेगा? वो मिलेगा ऊपर बचा है 435 प्लस 325 और नीचे बटा है 40, जोड़ा 5 5 10, 3 2 5 1 6, 4 3 7, 760 बटे 10,000। जीरो से जीरो खत्म, 76 बटे 1,000 कहां बनेगा? ये क्या है? 76 बटे 10 एक डेसिमल है, या फिर ऐसे बोलो 1 2 3, तीन डेसिमल के बाद, तीन नंबर के बाद डेसिमल लगा दो, 0.076, 1 2 3, जहां पे 0.076 आएगा उत्तर होगा। मजा आया कि नहीं आया? अगर मैं बोलूं आपको देखना क्या था कि जीरो कितना बचेगा, यही देखना था। चलो मैं अगले सवाल को सिखाता हूं तेज करने, तो खत्म हो गया इस टाइप का सवाल। इतना जल्दी कैसे खत्म हो जाएगा? इस टाइप का और सवाल रखा था, चलो पहले इसको करो, एक सवाल और है। चलो
पहले इसको कर लो फिर आगे करना। अब मैं बोलूं ये सवाल क्या है, ध्यान से देखो, ये सवाल कुछ यूं है सर, ए क्यूब प्लस 0.007 0.000049 0.007 का स्क्वायर प्लस 0.013 इंटू 0.013 माइनस 0.007 ये क्या है। अगर मैं आपको आसान भाषा में बोलूं कि 0.03 को ए पुट कर दो, ये मैं आपको ए पुट कर दूं और इसको मैं बी पुट कर दूं, तो ये क्या है ए का क्यूब, ये क्या है बी का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या है ए का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये इंटू ये क्या हुआ बी का स्क्वायर, और ये इंटू ये क्या हुआ माइनस ए बी। फिर से तो वही फॉर्मूला है सर, हाँ एकदम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बचेगा क्या, बचेगा क्या बताएगा, जल्दी बता नहीं तो बहुत फोड़ूंगा। ए प्लस बी जोड़ दो 0.013 0.07 सबको जोड़ा तो क्या मिला मेरे को 0.02, ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्लियर है एकदम। अगले सवाल को देखो, अब इसको करो, बोला है कि द वैल्यू ऑफ 5.169 गुणे 5.169 गुणे 5.169 माइनस 64 इंटू 0.8888 का क्यूब, 5.169 गुणे 3.552 का स्क्वायर प्लस 4.4 इंटू पॉइंट, अच्छा ये तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सवाल है, इसको होल्ड करते हैं, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सवाल है, इसको हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। चलो मैं इसको कराता हूं, ये क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सर नीचे ध्यान से देखा मैं तो, नीचे देखो मेंस का सवाल है, नीचे 25.3 24.7 ऊपर है 253 247। कैसे करूंगा तो देखो साहब, ऐसे करोगे, ऊपर तो ए क्यू प्लस बी क्यू है, नीचे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये ए बी ही होगा, गुणा करके नहीं चेक करना, ये ए बी ही होगा लेकिन डेसिमल में है, तो मैं इस डेसिमल को खत्म करने के लिए क्या करूं, अगर इस पूरे में 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक डेसिमल ये भी खत्म हो जाएगा, एक डेसिमल ये भी खत्म हो जाएगा। इतना तो पता है ना कि 6.7 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये 67 हो जाएगा, और अगर मैं ऐसे बोलूं कि 6.7 इंटू 6.7 था तो इसमें दो बार 10 से मल्टीप्लाई कर दो, एक 10 से ये 67 हो जाएगा, एक 10 से ये 67 हो जाएगा। क्लियर है, बोलोगे हां सर। अब मैं बोला नीचे में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ही नीचे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कंडीशन क्या बनेगा कि भैया ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करो, तो लो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हुआ 253 ये 62491 247 247। क्लियर है, ऊपर क्या है 253 का क्यूब प्लस 247 का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, काटेंगे तो क्या मिलेगा ए प्लस बी, 100 मेरा जिंदा बच गया था ऊपर में, गुणे ए प्लस बी कर दो तो 253 प्लस 247 बराबर होगा किसके 50 गुणे 10 टू दी पावर के। मेंस का सवाल है, क्या बोला है कि जो इसका बराबर है वो 50 गुणे 10 के पावर के बराबर है, तो बताना है के का वैल्यू क्या है। अब मैं इन दोनों को जोड़ा तो ये क्या मिला 500, 500 पे दो जीरो और, अभी बराबर है किसके 50 गुणा 10 के पावर के, जीरो से जीरो खत्म, 5 से 5 खत्म, ये हुआ 1000, तो ये 10 का क्यूब हुआ, ये बराबर हुआ 10 के पावर के, तो के किसके बराबर है 3 के। सब इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर ए टू दी पावर एम बराबर है ए टू दी पावर एन के, तो एम बराबर है एन के, तो वही 10 के पावर 3 बराबर है 10 के पावर के, तो के बराबर है 3 के। क्लियर है, बोलोगे हां सर। मजा आ रहा है, बोलोगे एकदम आ रहा है, तो ठीक है। अब आज हम लोग अगले टाइप के सवाल करते हैं फटाफट से, अगले टाइप के सवाल फटाफट से करते हैं। चलो इसको करो, क्या है देखो अगला टाइप, सीजीएल 2022 का सवाल है,
बोला है कि अगर a बाई बी प्लस बी बाई ए वन है और a प्लस बी दो है तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा, कैसे करोगे? यदि a बाई बी प्लस बी बाई ए वन है तो क्या मतलब है कि सर a बाई बी और b बाई ए इसका बट्टे पर का जोड़ निकालता हूं, तो a बाई बी प्लस बी बाई ए बराबर है वन के, तो ये a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी बराबर है वन के। इट मीन्स कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है ए बी के। इट मीन्स कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है जीरो के बराबर। अब यहां पे होल्ड करते हैं। अब एक चीज और समझते हैं कि जो सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है वो क्या होता है? वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब मेरे से कोई बोल दिया कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है वो जीरो के बराबर है। इट मीन जैसे ही ये जीरो के बराबर हुआ तो इसमें ए प्लस बी का गुणा करोगे तो ओवरऑल भी होगा जीरो के बराबर। क्लियर है? बोलो कि हां सर। आसानी से हो गया ना? बेहद। इसको करो, देखो अब नए नए टाइप आ रहे हैं, ऐसे सवालों को भरबली करना होता है। अगर मैं बोलूं कि आपको ए क्यू प्लस बी क्यू जब पढ़ा रहा था तो एक और फॉर्मूला पढ़ाया था कि ए क्यू प्लस बी क्यू जो होता है वो बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी। अब आपसे बोला है कि जो ए क्यू प्लस बी क्यू 110 है, ए प्लस बी 5 है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी क्या होगा? क्या होगा लल्ला बताओ भाई, के खाली सो रहे हो का? इतना आराम आराम से पढ़ा रहे हैं तो घुस जाते हैं कैमरा में। एक बार घुस गए थे के घर निकले थे, फिर मम्मी पापा सब पीटे थे, हम भी पीटे थे, वो क्योंकि सो रहा था क्लास में। इधर से घुसेंगे उधर फोन से निकल जाएंगे टप से, जानते हो 6 फीट से थोड़ा सा कम हाइट है, चौड़ा तो दिखता ही हूं, तो ऐसे सब बच्चे बच्चे दिखते हैं सामने खड़ा होता हूं तो। भले कैमरे से पीछे मैं छोटा दिखता हूं, 6 फीट हाइट है, 6 फीट समझे, घुस जाऊंगा कैमरे से निकल जाऊंगा फोन से, बहुत पीटूंगा, बहुत, सोच भी नहीं सकते कितना। अब ए क्यू प्लस बी क्यू क्या है 110, ए प्लस बी क्या है 5, और इसको मैं मान लेता हूं, इसी का तो वैल्यू निकालना था ना, तो इसको मैं x लिख लेता हूं, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 5 से काटा, 5 दूना 10 22 बार में क्या ऑप्शन डी उत्तर हुआ कि नहीं? हो गया सर। अगले सवाल को देखें, ठीक है, बोला है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 416, ए प्लस बी 16 है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी क्या होगा? क्या करना है, काट दो 16 से, 16 दूना 32 16 जगह 6 में 26 उत्तर हो गया। कुछ करना था क्या? आपको पता है कि जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ये बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी के। फॉर्मूला तो आपको याद है। अब मैं बोला कि ये 16 है और ये 416 है और इसको मैं x से डिनोट कर दिया, तो काटा 16 दूना 32 16 छक्के 96, एक्स किसके बराबर है 26 के। काटा कुटी तो करना था कि बन जा मेरी मासूक, मैं दिल चीर के दिखा दूंगा, पर तुम तो हो ऐसे, मैं काटा कुटी मचा दूंगा। सही है? बोलोगे हाँ। आ जाओ थोड़े अच्छे सवालों पे। जैसे मैं बोलता हूं जब मैं सवाल क्लास के आखिर में आता हूं तो सवाल के लेवल बढ़ा देता हूं, अभी एक आधे सवाल थोड़े अच्छे लेवल के हम लोग करेंगे। चलो पहले इस सवाल को करो, फिर एक अगला सवाल करेंगे, फिर क्लास को एंड करेंगे। सवाल क्या है कि a प्लस बी 8 है और a प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी प्लस ए बी स्क्वायर 128 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू बताना है। कैसे करोगे मेरे लाल, कैसे करोगे? सर अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो कुछ यूं है, a प्लस बी एक साथ कर दिया। देखो मैं आपको, आप किसी भी टीचर के क्लास देखते होंगे, किसी भी सर से पढ़ते होंगे, मैं गारंटी बोलता हूं
कम टाइम में ज्यादा सवाल, ज्यादा कॉन्सेप्ट, ज्यादा चीजें मैं सिखा के जाता हूं। एक घंटे भी क्लास नहीं हुआ होगा, इसमें शुरुआत में 5-6 मिनट में बात किया हूं, 20 सवाल हो गए। मैं देखता हूं लोग डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे में 20 सवाल नहीं पढ़ाते हैं। अब मैं आपको 20 सवाल मैं खुद करा दिया, 22 सवाल 21 सवाल मैं कराऊंगा, आगे आपको सेल्फ प्रैक्टिस सीट भी दूंगा। देखो नीचे तो सेल्फ प्रैक्टिस सीट आपके लिए होगा, जिसमें आपको देखो अच्छे लेवल के सवाल है, सीजीएल का सवाल, सेल्फ प्रैक्टिस सीट में देखो सीएचएसएल का सवाल, देखो सीपीओ का सवाल, हर लेवल का सवाल है। तो आप सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ जिसकी भी तैयारी करते हो ना, सबका कवर हो जाएगा। अब आगे मैं सिखाता हूं इसको। मैं बोला ये ए प्लस बी उठा लिया, अब मैं बोला ये ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर को भी उठा लेता हूं। उठ गया, हाँ उठ गया। अब मैं बोलता हूं किसके बराबर, 128। होल्ड होल्ड होल्ड, चिल करो चिल। अब देखो अगला लाइन, अब मैं बोला यहां भी ए बी है सर, यहां भी ए इंटू बी है, ए बी को निकाल के इस पॉकेट में डाल लेता हूं। मैं डाला ए प्लस बी प्लस ए बी हो गया कॉमन, यहां मिला ए प्लस बी, बराबर हो गया 128। सर ये ए प्लस बी यहां भी है, ए प्लस बी यहां भी है, ए प्लस बी को निकाल के इस पॉकेट में रख लेता हूं। रख लिया, तो ए प्लस बी इंटू 1 प्लस ए बी बराबर किसके है, 128। ए प्लस बी का वैल्यू मेरे को 8 पता था, हाँ तो पुट कर देते हैं। जैसे इसको 8 पुट किया तो ये क्या हुआ, 1 प्लस ए बी, ये किसके बराबर हुआ, 128। जब मैं 8 से काटा तो 16 बार में गया, 16 8 128। इस एक को उधर भेजता हूं तो ए बी का वैल्यू क्या आया, 15। अब आप क्या करोगे, यहां के बाद आपको कुछ सॉल्व करना है कि ए प्लस बी 8 है, ए इंटू बी 15 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू निकाल लोगे। बोलोगे यस सर, ऐसे सवाल तो आप सिखाए ही थे, तो अब निकालो अपने से। चलो आप तो अपने से निकाल लिए होंगे, पॉज करके उत्तर बता दिए होंगे क्या आएगा। अब मैं एक और चीज सिखाता हूं, जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन इज ऑल अबाउट कि एक नंबर को आप कितने तरीके से देखते हो। अब मैं बोला 15 को कितने तरीके से देखते हो, मैं बोला 15 को ऐसे लिख सकता हूं 1 × 15, ऐसे लिख सकता हूं 3 × 5, ऐसे लिख सकता हूं 5 × 3, ऐसे लिख सकता हूं 15 × 1। बोलोगे हाँ सर, तो ये दोनों तो सेम हो गए, 1 × 15 3 × 5 और 5 × 3 और 15 × 1, तो किसी दो को देखो। अब मैं बोला अगर 1 को 1 और बी को 15 एज्यूम कर लूं, मैं मान लूं कि ए 1 होगा और बी 15, तो क्या होगा, यहां पर 1 + 15 लिखूं सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं सर। अगर मैं ए को 3 और बी को 5 रखूं तो 3 + 5 8 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, हां। तो ये प्रूफ हो गया कि ए 3 है बी 5 है, काम खत्म। 3 का क्यूब, मेरे से पूछा गया ए क्यू प्लस बी क्यू बताओ, इट मींस 3 का क्यूब + 5 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, बराबर किसके है, 152। क्लियर है, बोलोगे हां सर। मजा आया, बोलोगे हां। अगले सवाल को देखो, अगला सवाल भी आपका हाईली कॉन्सेप्चुअल है, इसमें 2-3 फॉर्मूले यूज है जो पास्ट में आप पढ़े हो और जो अभी आप पढ़े हो। कल का सेशन ना इससे भी जबरदस्त होने वाला है, उसमें और अच्छे लेवल के सवाल, क्यूब रूट वाले ऐसे सवाल मिलेंगे, उसको जरूर अटेंड करना। अब देखो क्या है, क्योंकि ए माइनस बी के होल क्यूब से थोड़े लेंदी सवाल बनते हैं, ए प्लस बी के होल क्यूब से आसान बनते हैं। अब मेरे को पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब 20 है, ए प्लस बी 5 है, तो मेरे से बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4। कर लिए, नहीं हो रहा है, आ जाओ करते हैं। मैं बोला ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, सर जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ना, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखना जरूरी है, नहीं ऐसे वाला लिख लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, यही होता है ना, बोलोगे हां। अब मैं बोलूं ए क्यू प्लस बी क्यू क्या है, तो 20, ए प्लस बी क्या है 5, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3ab। अब मैं 5 से काटा तो 4 बार में गया, बोलोगे हां।
अब मेरे लिए क्या है, चार बराबर है 25 माइनस 3ab, इस 3ab को इधर लाता हूं, चार को उधर ले जाता हूं, तो 3ab किसके बराबर आया, 25 से 4 गया 21, ab किसके बराबर आया, 3 से काटा 3 साते 21, अब ab 7 है, a प्लस बी आपके 5 है, तो a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 5 आउट कर लोगे। हाँ सर, सब फॉर्मूला तो सिखाया हुआ है कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। मैं फास्ट कर रहा हूं, क्लास जाके आप पीछे करके पिछला सेशन देखना 1, 2, 3 तो आप समझ जाओ कैसे तेज कर रहा हूं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू 7, 25 से 14 गया कितना आया 11। अब मेरे को ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 निकालना है तो क्या करूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 2 इंटू 7 का स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 49 दूना 98, 21 और 2 23 जो आएगा सही उत्तर आएगा। मजा आया कि नहीं आया, बोलोगे सर बहुत मजा आया, कैसे लगे आखिरी के दो सवाल ये भी कमेंट करके बताना, और आगे आपको सेल्फ प्रैक्टिस सीट मिल जाएगा। मैं क्या करता हूं, इसको सेव कर लेता हूं, इसको सेव कर लेता हूं, इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन को सेव कर लेता हूं। अगर आपको ये सॉल्यूशन चाहिए तो यस सर कमेंट करना कि हाँ सर सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं इस बोर्ड पे लिखा हुआ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, जितने भी लिखा हुआ क्लियर क्लियर लिखा हुआ है सारे के सारे। तो सेशन को मैं यही एंड करता हूं, मैं आपसे चाहता हूं कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तभी जाके आपको पीडीएफ मिलेंगे और सारे अच्छे सवाल, देखो सीडीएस के सवाल, सीडीएस के सवाल, देखो सीडीएस के 3-3 सवाल आपके लिए इसमें रखा हुआ है, सीपीओ का सवाल, सारे सवाल आप प्रैक्टिस खुद से करना, और टेलीग्राम पे आपको सवाल मिल जाएंगे, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के पास वीडियोज को शेयर करना, लाइक करना, खूब सारे प्यारे प्यारे अपने कमेंट छोड़ के जाना, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई भी देता हूं और पढ़ता भी हूं। और मैं आपको बता दूं कि आप जाके स्टैटिस्टिक्स का क्लास जरूर देखना और देख के उसके नोट्स बनाना अच्छे से। तो सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूं, अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसा लगा क्लास जरूर बताना।